तुमने कभी मौत को बहुत करीब महसूस किया है? मैंने किया है, जब अपने हम उम्र लोगों को कसरत से अल्लाह की जानिब लौटते देखा है। मैंने मौत के कदमों की आहट सुनकर खुद को खौफ से सहम कर पलटते देखा है। मैंने हिलते सायों में मुल्कुल मौत को अपने करीब महसूस किया है, इतना करीब कि मैं जाए नमाज पर कांपता और सहमा खड़ा था, और हर लम्हा मुझे मौत की घात लग रही थी और आखिरी नमाज महसूस हो रही थी। सलाम फेरने के बाद जब्त न कर सका और खौफ और वहशत से फूट कर अल्लाह के आगे रोना शुरू कर दिया। मुझे सब याद आने लगा था, मेरे माजी के गुनाहों वाली ज़िंदगी, हिदायत के बाद कोताहियों, सुस्ती और ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी वाली ज़िंदगी। मुझे गुनाहों, कोताहियों और गफलत का हर लम्हा याद आ रहा था और मैं खौफ से कांपता हुआ रो रहा था। मैंने अभी तो सही मानों में जीना शुरू किया था, कुरान के 17वें पारे से अभी तो अल्लाह के नूर का बस ज़रा सा जायका चखा था, अभी तो इलम के नूर को दिल पर उतरता महसूस किया था, अभी तो खुद को खालिस करना शुरू किया था, अभी तो अल्लाह के दीन के इलम, कुरान के इलम और अल्लाह की मार्फत के लिए खुद को थकाना शुरू किया था। मैंने तो हर वो चीज़ अभी शुरू की थी जो अल्लाह को पसंद है। मैं तो अभी आगाज़े सफ़र बांधा था, मैंने तो अभी आखरत की तैयारी शुरू की थी। क्या मेरे भी लौटने का वक्त इतना करीब था और मैं गाफलों से ज़िंदगी जी रहा था? मौत मेरे दरवाज़े पर मेरे बहुत ही करीब महसूस हो रही है। वो मुझे जब लेने आई है तब मुझे होश आया है। आह, मैं कैसे भूल गया था, मुझे खौफ आ रहा है। अगर सफ़ेद चेहरे वालों की बजाय स्याह खौफनाक चेहरे वाले आ गए तो वो कब्र की तारीकी, वो वहशत, वो कब्र का दबाना, वो रोज़े महशर मैदान में मेरा नामा आमाल, वो महशर के सख्त सवालात, वो अर्श का साया खो देना, वो जन्नत खो देना, नताइज क्या होंगे? हिदायत के बाद कोताहियों, सुस्ती, गफलत और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करते हुए ज़िंदगी जीने का अंजाम क्या होगा? जहन्नम, जहन्नम और बस जहन्नम। मैं नफ्स को राज़ी करने के बदले अल्लाह को हार गया। क्या मेरे लिए इतना ही आसान था जन्नत हार जाना? आह, फिर मौत, फिर मेरी कहानी ख़त्म हुई। वक्त मुझे भुला देगा मगर मौत के बाद की ज़िंदगी भुलाई जाएगी न कभी ख़त्म होगी। दर हकीकत वो असल में आगाज़ ज़िंदगी होगी। योर डेथ, योर एंड, योर क़यामत, सब कुछ ख़त्म हुआ और तुम तन्हा रह गए, पीछे कुछ बाकी न रहा। क्या इसी के लिए जिया था, इख्तिताम पर सब हार जाओ? आह, फिर मौत है और फिर मेरी कहानी ख़त्म हुई।